कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। एक बुरहानपुर नाम के गांव में राघव और सागर ऐसे दो बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। वो अपने अपने काम में खुश थे। एक दिन राघव अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर चला जाता है और सागर गांव में खेती करने का काम करता है। बहुत दिन बीत जाते हैं। राघव और सागर अपनी अपनी दुनिया में मशगूल हो जाते हैं। राघव को अब नया जॉब मिल जाता है और उसके चलते उसे बहुत पैसों की कमाई होती है। अब वो गाँव में थोड़ी बहुत जमीन भी खरीद लेता है। दोनों भी दोस्त शादियां कर लेते हैं। उस गांव में अब सागर और उसकी पत्नी कविता दोनों भी खेतों में काम किया करते हैं और राघव और उसकी पत्नी सुगना दोनों भी बहुत खुश है। राघव को गांव की बहुत याद आती है, मगर इतने पैसों वाला जॉब भी उसे छोड़ा नहीं जाता। देखते देखते उन दोनों की शादी को एक साल गुजर जाता है और दिवाली की छुट्टियों में राघव 20 दिन की छुट्टी निकाल कर गाँव आता है। अरे आओ आओ मेरे दोस्त, कितने दिनों बाद आए हो, अब थोड़े दिन यहाँ पर रुकोगे ना? हाँ हाँ रहूंगा ना, हम पूरे 20 दिनों की छुट्टी निकाल कर आया हूँ। नमस्ते भाभी, चलो आप पहले हमारे घर चलो, खाना हो जाए तो बाद में शांति से अपने घर पर जाना। ठीक है भाई साहब। नमस्ते भाई साहब, कैसे हो आप? आपका सफर कैसे रहा? नमस्ते भाभी, सफर मस्त था। ऐसा कह के वो अंदर चली जाती है और कविता राघव और सागर के लिए पानी लेकर आती है। अरे भाग्यवान, अब क्या पानी से ही पेट भरोगी? चलो खाना परोसो, जोर से भूख लगी है। हाँ हाँ उन्हें हाथ मुँह तो धोने दो, तब तक मैं खाना परोस देती हूँ। अब कविता खाना परोस देती है, सब खुशी खुशी खाना खत्म कर देते हैं। भाभी खाना बहुत ही लाजवाब बनाया था। हाँ कविता, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। गांव आने के बाद राघव भी अब खेती करने लगा था। वो और सागर दोनों मजे से खेतों में काम किया करते थे। ऐसे ही एक दिन काम करते करते राघव बहुत थक गया। अरे सुगना जरा पानी लाना तो, गला बहुत सूख गया है। ठीक है देती हूँ। सुगना अपने पास वाले घड़े में देखती है तो उसका पानी खत्म हो गया था। अब वो बोरवेल का बटन स्टार्ट करके वहां से पानी लेने जाती है। बोरवेल के पास जाते ही उसे डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है। वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। बोरवेल का पानी भरने के लिए उसने अपना घड़ा पानी के नीचे पकड़ा और तभी वहां से एक हाथ निकलकर सुगना को उस बोरवेल में खींचने की कोशिश करने लगा। अजय सुनते हो? अरे ये हाथ मुझे खींच रहा है, अरे बचाओ, अरे मर गई मैं तो, अरे छोड़ना नासपिटे, तेरा क्या बिगाड़ा है मैंने। अरे सुगना क्या हुआ है तुम्हें, तुम उस बोरवेल में जाकर क्यों खड़ी हो, चलो आओ। अरे ये मुझे अंदर की तरफ खींच रहा है, बचाओ मुझे। अब राघव सुगना का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचने लगता है। राघव के गले का ताबीज देखकर वो भूत उसे छोड़ देता है। अच्छा हुआ जी आपने मुझे खींच लिया, वरना ये बोरवेल तो मुझे मार ही डालता। सुगना और राघव घर चले जाते हैं और सुबह उठकर अपने दोस्त सागर के यहाँ जाकर कल जो हुआ वो घटना विस्तार से उसे बताते हैं। अरे राघव मैं इस भूत प्रेत पे विश्वास नहीं रखता, मगर तूने जो जमीन ली है ना उसकी बोरवेल बहुत पुरानी है और लोग कहते हैं कि वहाँ पे भूत का साया है। मैं इन बातों को नहीं मानता, इसलिए मैंने तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा। अब क्या करे, सुगना भी बहुत डर गई है, अब खेत में जाने का नाम ही नहीं लेती। अब मैं जल्द ही यहाँ से निकल जाऊंगा। अरे राघव निकल जाना समस्या का हल तो नहीं है ना, और तुम निकल कर कभी ना कभी तो वापस आओगे ही अपनी जमीन के पास, क्या तब भी भाग जाओगे? समस्या भागने से और बढ़ेगी, और समस्या का समाधान कर दिया तो कम हो जाएगी। हाँ तुम बोल रहे हो वो भी सही है, उस भूत का ठिकाना लगाना ही पड़ेगा। अब वो दोनों उस रात को खेत में चले जाते हैं और एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। वो बोरवेल को शुरू कर देते हैं और चुपचाप एक जगह खड़े होकर सब देखने लगते हैं। कुछ देर बाद उस बोरवेल से एक चुड़ैल बाहर निकलती है और जोर जोर से आवाजें करने लगती है। कौन है, किसने मुझे बुलाया है, आज तो मैं सबको खा जाऊंगी, कहाँ मर गए सबके सब। अरे सागर हमने कोई गलती कर दी क्या, अब क्या करें, इससे कैसे बचे? डरो मत, अब हम इसके बोरवेल में जाने का इंतजार करेंगे, चुपचाप खड़े रहो। अरे मुझे बहुत डर लग रहा है, अब हम क्या करें, चलो भाग चलते हैं। चुपचाप खड़े रहो यहाँ पर, आवाज मत करो। सागर और राघव पेड़ के पीछे छुपकर उस चुड़ैल को देखते रहते हैं। बहुत देर हो जाने के बाद भी कुछ खाना ना मिलने की वजह से चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसे खेत में एक कुत्ता नजर आता है, वो उस कुत्ते के पास जाकर उसे खा जाती है। ये सब देखकर राघव और सागर डर के मारे पानी पानी हो जाते हैं। अब चुड़ैल वापस बोरवेल के अंदर चली जाती है। सुबह हो जाती है और राघव और सागर अपने घर चले आते हैं। अरे सुगना सच में वहाँ पे भूत है, तुम कल बोल रही थी ना वो सही है, हमने कल ही हमारे आँखों से भूत को देखा है। मगर हमारी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा, अगर हम गाँव वालों को ये बात बताएंगे तो वो हमें पागल कहेंगे। मगर क्या किया जाए जिससे सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे।
अजी मेरे विचार से हमें बोरवेल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए, जिससे हमारे हाथ सबूत आ जाएगा। ये अच्छी कल्पना है। अब राघव उसी दिन जाकर एक सीसीटीवी कैमरा लेकर आता है और एक इलेक्ट्रिशियन की मदद से उसे खेत में फिट करवा देता है। अब एक औरत उस बोरवेल पे पानी पीने के लिए आती है। बचाओ, ये नासपिटी ने मुझे पकड़ लिया है, बचाओ बचाओ मुझे। वो चुड़ैल उसे भी खा डालती है और बोरवेल में चली जाती है। ये सब सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है और सुबह जब राघव और सागर खेत में आते हैं तब वो सीसीटीवी फुटेज लेकर घर आते हैं। फुटेज चेक करने के बाद उन्हें दिखाई देता है कि किसी औरत को वो चुड़ैल खा गई। अरे सागर, ये औरत कौन है? हमारे गांव की है क्या? हाँ, अरे ये हरिया की बीवी लक्ष्मी है। ये कल उस भूतिया बोरवेल पे पानी लेने के लिए गई थी और उसका पति इसे गाँव में ढूंढ रहा है, मगर ये कहीं मिली नहीं। अरे कैसे मिलेगी इसको, उसे तो वो चुड़ैल खा गई। अब क्या करे, जब भी कोई बोरवेल स्टार्ट करेगा ये लोगों को आकर मार डालेगी और खाकर चली जाएगी। अब हमें ही कुछ करना होगा। अब दोनों गांव के सरपंच के पास चले जाते हैं। वो अपने साथ सीसीटीवी का फुटेज भी लेकर जाते हैं। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते, आइए ना। सरपंच जी, आपकी थोड़ी सहायता चाहिए थी। कैसी सहायता चाहिए आपको? मेरे खेतों में भूत का साया है, वो चुड़ैल बोरवेल में रहती है। हमें उससे जल्द से जल्द पीछा छुड़ाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक एक करके गांव वालों की जान चली जाएगी। ऐसा थोड़ी ना होता है, हम भूत नहीं होते हैं। हमें पता था कि हम पे कोई विश्वास नहीं करेगा। अच्छा एक बात बताओ, हरिया की पत्नी लक्ष्मी अचानक से गायब कैसे हो गई? अब वो मुझे क्या पता, उस हरिया को ही मालूम होगा। अब राघव और सागर सरपंच जी के घर से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें हरिया मिलता है। तुम बाबू गांव से आए हो ना, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे छुट्टियों में यहाँ आया था। यहाँ तो कुछ अजीब सा ही दिख रहा है, अब मेरा ही ले लो। मेरा मेरी पत्नी के साथ कोई झगड़ा नहीं, कोई बवाल नहीं, फिर भी कहाँ चली गई क्या पता। अब तो ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, सब तरफ देख लिया। चलो तुम मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अब राघव के साथ हरिया उसके घर चला जाता है। राघव और सागर एक जगह बिठा कर उसे वो सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। वो सब देख कर हरिया हैरान हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। वो तुरंत राघव के खेत के बोरवेल के पास जाता है और वहां बैठकर रोने लगता है। राघव और सागर उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता। हरिया अकेला ही उस बोरवेल के पास रोते बैठता है। अब रात हो जाती है। उस खेत के रास्ते से कुछ डाकू गुजर रहे होते हैं। उन्हें बहुत प्यास लगती है तो वो बोरवेल के पास पानी पीने के लिए आते हैं। तभी उनकी नजर हरिया पर पड़ती है। अरे भाई क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं क्या करूँ? अरे हुआ क्या है वो तो बता, हम तुम्हारी मदद कर देंगे, बोल। इस बोरवेल ने मेरी बीवी को खा डाला है, अब मैं क्या करूं? अरे ऐसा भी कभी हुआ है क्या कि किसी बोरवेल ने किसी की जान ले ली? अरे कल्लू जरा बोरवेल का बटन तो दबाओ। हाँ सरदार, शुरू करता हूँ। कल्लू के बटन स्टार्ट करते ही उस बोरवेल से अलग अलग आवाजें आने लगती है। वो सुन के हरिया डर जाता है और दूर खड़ा रहता है। तभी कल्लू और कालिया पानी पीने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और तभी उस पानी में से एक बहुत बड़ा हाथ बाहर आता है और कल्लू को खींचकर वो चुड़ैल खा लेती है। कौन है रे, हम डाकुओं पर हाथ डालने की किसकी हिम्मत हुई, बाहर आओ। अब भूत बोरवेल से बाहर आती है। चल आ गई बाहर, अब क्या करेगा तू कालिया? अरे चुड़ैल जी छोड़ दीजिए, गलती हो गई, छोड़ दीजिए। अब कहाँ गई तेरी बड़ी बड़ी बातें, हाँ बहुत दिनों से भूखी हूँ, आज पेट भर की खाना खाऊंगी। ऐसा कहते ही भूत उसे खा डालती है। हरिया पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देख रहा होता है। कल भी और आज भी मुझे अच्छी मेजबानी मिल गई, अब कल का इंतजार रहेगा। अरे ये नासपिटी तो मुझे भी खा जाएगी, इसका कुछ तो करना होगा, ये किसी को नहीं छोड़ेगी। ऐसा कह के हरिया वहाँ से चला जाता है। अब राघव और सागर सोचते हैं कि उस भूत का क्या किया जाए, मगर फिलहाल उन्हें कोई उपाय नहीं मिल रहा। अभी वो भूत उस बोरवेल में ही है। अगर आपको इस भूतिया बोरवेल का पार्ट 2 देखना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी अगली आने वाली कहानी का इंतजार कीजिए। सुंदरपुर नाम के गांव में शीला नाम की एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उसकी बेटी राधा अपने ऑफिस की छुट्टियों में घर आया करती थी। उसे गांव आना बहुत अच्छा लगता था। इस बार भी राधा छुट्टियों में अपने गांव आई थी। माँ मैं आ गई। आ गई मेरी रानी बिटिया, कितने दिनों के बाद आई हो, मुझे बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। हाँ माँ मुझे भी तो तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए ही छुट्टियाँ लगते ही मैं यहाँ आ गई। बेटी अब कितने दिनों की छुट्टियाँ मिली है?
माँ 15 दिनों की छुट्टियाँ मिली है, अब आई हूँ तो सारा गांव घूमूंगी। चलेगा, जितना चाहे उतना घूमना। अब अगले दिन सुबह ही राधा और उसकी माँ बाजार चले जाते हैं। गांव घूमते घूमते राधा गांव के बाहर चली जाती है और वहां जाकर उसे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ दिखाई देता है। कितना विशाल पेड़ है माँ, ये देखो। हाँ राधा, ये बहुत विशाल पेड़ है और बहुत पुराना भी है। राधा ये सब देख उस पेड़ के पास जाने लगती है, तभी राधा राधा इधर आओ जल्दी। क्यों, क्या हुआ माँ, इसके पास क्यों नहीं जाना? घर चलो, तुम्हें बताती हूँ। अब दोनों माँ बेटी घर आती है। राधा सवाल पे सवाल पूछने लगती है। वो पेड़ भूतिया बरगद का पेड़ है, वहाँ पे भूत रहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। माँ सच में भूत होते हैं? हाँ राधा, भूत होते हैं। हमारे गांव में ही ऐसी कहानी हुई है, इसीलिए सब गांव वाले अब भूत के नाम से भी डरते हैं। बहुत पुरानी बात थी, इस गांव में दो लुच्चे लफंगे डाकू रहा करते थे। उनका नाम था गोटिया और राजू। उन्हें हमेशा लड़कियों को छेड़ने की आदत थी। वो आते जाते हर लड़की को छेड़ा करते थे और अपने गांव में चोरियां भी किया करते थे। एक दिन साधना नाम की एक लड़की गांव में नई आई हुई थी। वो गांव में काम किया करती थी और शाम के समय अपने घर जाती थी। गोटिया और राजू उस पर नजर रखे हुए थे। वो कब आती है जाती है इस बात का उनको पता था। एक दिन साधना अपने काम पर जा रही थी, तब ये दोनों एक जगह खड़े होकर उसे छेड़ते हैं। कहाँ चली जाने मन, जरा हमसे तो मिलती जाओ। वो उन दोनों को देख अनदेखा कर देती है और अपने काम पर निकल जाती है। क्या रे राजू, ये लड़की तो हमें भाव ही नहीं देती, इसे कैसे फंसाए? अरे फंसेंगी, चिंता मत करो। ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। कुछ दिनों तक ये दोनों उसे बहुत तंग करते हैं। अब वो बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन रात के समय साधना को काम से आने में देर हो जाती है और उसे ये दोनों गुंडे रास्ते में ही पकड़ लेते हैं और उससे हाथापाई करते हैं। छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे इन बदमाशों से बचाओ। कोई नहीं आएगा रानी यहाँ पर, अब तुम हो और हम है, अब चुपचाप खुद को हमारे हवाले कर दो। वो तीनों जहाँ खड़े थे वहाँ एक बरगद का पेड़ था जो ये सब सुन रहा था। साधना बूटा के कमर से चाकू निकालकर खुद को मार डालती है। ये देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। साधना जोर से जमीन पर गिर पड़ती है। उस बरगद के पेड़ की आत्मा साधना के मृत शरीर में चली जाती है। उसकी आवाज बहुत डरावनी हो जाती है और उसकी आंखें लाल हो जाती है। अब वो दोनों चोरों का पीछा करती है और एक ही झटके में उनकी गर्दन पकड़कर उन्हें मार डालती है। अब वो गांव के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और गांव में प्रवेश करके जोर जोर से गुर्राने लगती है। मैं इस गांव के किसी को नहीं छोड़ूंगी, मुझे मारा है ना, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये देख सारे रास्ते से आने जाने वाले लोग डर जाते हैं, सब इधर उधर भागने लगते हैं। जो भी उसके शिकंज में आता है वो उसे मार डालती है। अब साधना का भूत रात को भी गांव में घूमने लगा। लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। अब डर के मारे वे बाहर भी नहीं निकलते थे। ऐसे ही एक दिन दो दोस्त बातें कर रहे थे। अरे माधव, ये भूत हम सब गांव वालों को मार डालेगी, जब तक ये जिंदा है तब तक हम सुरक्षित नहीं है, कब मौत का बुलावा आ जाए क्या पता। हाँ हरिया, सही कह रहे हो, इस भूत ने तो हमारा जीना ही मुश्किल कर दिया है भाई। चलो ऐसा करते हैं कि हम कुछ लोग मिलके सरपंच जी के पास जाकर अपनी कहानी सुनाते हैं, शायद कुछ हल निकल आए। ऐसा कहते हो तो चलो फिर। अब हरिया, माधव और गांव के अन्य लोग मिलकर सरपंच जी के घर चले जाते हैं। अब सरपंच जी भी इस विषय के बारे में सोचते हैं। क्या करे सरपंच जी, कोई रास्ता ही नजर नहीं आता है, इस भूत को हमें इस गांव से भगाना ही होगा। हाँ आपकी सारी बात सच है, मगर हमें अब जोश से नहीं होश से काम लेना होगा, इसलिए जो भी निर्णय होगा वो सोच विचार के बाद ही होगा। सरपंच जी, क्या तब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे या खुद के मरने का इंतजार करे? मेरे विचार से हमें इस गांव के जो सिद्ध बाबा है उनके पास जाना चाहिए, वही हमें कुछ उपाय बताएंगे। हाँ सरपंच जी, आपका विचार अच्छा है, चलो हम सब अभी उस बाबा के पास चले जाते हैं। ऐसा कह के सारे गांव वाले बाबा के पास चले जाते हैं और इधर भूत गांव में आकर लोगों की तलाश करता रहता है और जो मिले उसे मार डालता है। सारे गांव वाले बहुत डर जाते हैं और जल्दी जल्दी बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा, हम सुंदरपुर गांव से आए हैं, आपकी कुछ सहायता चाहते हैं। कैसी सहायता चाहिए आपको मुझसे? बाबा, हमारे गांव पर एक भूत का साया है, आप हमारी मदद करेंगे ऐसी आशा है, हम बहुत आशाएं लेकर आए हैं आपके पास। बाबा आंखें बंद कर लेते हैं और ध्यान में लीन हो जाते हैं। कुछ देर बाद बाबा अपनी आंखें खोलते हैं। वो एक बरगद के पेड़ की आत्मा है जो साधना नाम के लड़की के शरीर में प्रवेश कर चुकी है और अब वो सबसे बदला लेना चाहती है। अब हम क्या करें बाबा?
कल ही हमें उस लड़की को मारना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। बाबा, मगर किसी की बलि चढ़ाना ठीक नहीं है। बहुत लोग मरने से अच्छा है कि एक मर जाए और बाकी सब जीवित रहे। अब सारे लोग बाबा की बात पर विश्वास रखते हैं। कल उसे शाम के समय गांव के बाहर का जो बरगद का पेड़ है उसके पास लेकर आना है। मैं तुम सबको वही मिलता हूँ। ये लो, सारे लोग ये सुरक्षा कवच पहन लो। ये धागा आपकी रक्षा करेगा और हमारा काम हो जाएगा। हाँ बाबा, आप जैसा बोल रहे हो वैसा ही होगा। अब हमें कल शाम को बरगद के पेड़ के पास जाना है और वहां जाकर सबको छुप जाना है। दो तीन लोग गांव के बाहर खड़े रहेंगे जिससे वो भूत बरगद के पेड़ के पास आ सके। जैसे ही वो दिखे तुम सब लोग वहां से भागना शुरू कर देना। हाँ ऐसा ही करेंगे, चलो घर चले। अब सारे गांव वाले बाबा को प्रणाम करके वहां से निकल जाते हैं और दिन भर शाम का इंतजार करते हैं। जैसे ही शाम हो जाती है गांव वाले बरगद के पेड़ के पास छुप जाते हैं। तीन गांव वाले बाहर रुकते हैं। अब उन्हें वो भूत दिखाई देता है। गांव वाले भागने लगते हैं और बरगद के पेड़ के पास चले जाते हैं। भूत भी बरगद के पेड़ के पास चला जाता है और जोर से गुर्राने लगता है। अब बाबा उसके पास आते हैं और उसके बदन पर एक भस्म फूंकते हैं। बाद में उसके पास एक चाकू डालते हैं। वो भूत चाकू लेकर अपना गला काट लेती है और मर जाती है। अब इस लाश को बरगद के पेड़ के नीचे दफना दो। अब गांव वाले उस लाश को बरगद के पेड़ के नीचे दफना देते हैं और वहां कभी लौट कर नहीं जाते। मगर उस बरगद के पेड़ से इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और हर औरत को अपनी माँ और बहन की तरह समझना चाहिए। कई साल पहले की बात है, सारंगपुर गांव में एक नारियल का अजीबोगरीब पेड़ था। इसकी पंक्तियां सुनहरे रंग की थी और उस पर सुनहरे पंख वाली चिड़िया रहती थी। इस नारियल के पेड़ की खास बात यह थी कि उस पर तीन सुनहरे नारियल लगे हुए थे। एक नारियल के पानी से किसी की भी कोई भी बीमारी ठीक हो सकती थी, दूसरे नारियल से कोई भी इच्छा पूरी की जा सकती थी और तीसरे नारियल में था जहर जिसे पीने से इंसान की जान जा सकती थी। इस नारियल के बारे में गांव में किसी को भी कुछ खबर नहीं थी, लेकिन पेड़ पर रहने वाली सुनहरी चिड़िया को ये बात पता थी। इस पेड़ के आसपास कुछ लड़के खेलकूद किया करते थे। उन्हीं में से एक लड़का था सचिन। सचिन को इस नारियल के पेड़ से बड़ा लगाव था। वो रोज इस पेड़ को पानी डालता और चिड़ियों के लिए अनाज के दाने भी डालता। बाकी दोस्त खेलने के बाद घर लौट जाते, लेकिन सचिन इस चिड़िया से बातें करता। अब दोनों में अच्छी दोस्ती हुई थी। एक बार सचिन ने उत्सुकता से चिड़िया से पूछा, ये नारियल का पेड़ अलग क्यों दिखता है और आप भी एकदम अलग सुनहरी हो, ऐसा क्यों? मैं इस पेड़ पर पैदा हुई हूँ, इसलिए मेरे पंख सुनहरे हैं। ये सुनहरा रंग मुझे इस पेड़ की पत्तियों में छुपाता है और मैं शिकारियों से बचती हूँ। एक दिन सचिन अकेला उस नारियल के पेड़ के पास आया। वो बहुत उदास था। उसे उदास देखकर सुनहरी चिड़िया वहाँ आई। क्या बात है दोस्त, उदास क्यों हो, कोई परेशानी है? मेरी माँ बहुत बीमार है, दो दिन से घर में चूल्हा भी नहीं जला, हमारी मदद करने कोई नहीं आया। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरा इस दुनिया में माँ के अलावा कोई नहीं है। ओह ये बात है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ, लेकिन वादा करो तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। हाँ मैं वादा करता हूँ। इस पेड़ पर जो नारियल दिख रहे हैं वो असल में जादुई है, तुम इनमें से बिना जहर वाला नारियल ले जाओगे तो तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। चिड़िया ने उसे नारियल पाने की तरकीब बताई। दूसरे दिन सचिन वहाँ आया और नारियल के पेड़ से दो नारियल निकालकर घर ले गया। घर आकर उसने एक नारियल का थोड़ा पानी अपनी माँ को पिलाया और कुछ ही क्षणों में उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई। माँ को भी आश्चर्य हुआ। सचिन ने बिना पैसे लिए गांव के कई बीमार लोगों की मदद की और उन्हें ठीक किया। थोड़े ही समय में सचिन मशहूर हो गया। ये बात पड़ोस के एक वैद्य के कानों पर आई और सचिन का चमत्कार देखने वो बीमारी का बहाना बना के उसके गाँव आया। जब सचिन ने उस वैद्य को नारियल का थोड़ा पानी पिलाया, वैद्य को एकदम अच्छा महसूस हुआ, वो एकदम से ताकतवान हो गया। ओह ये तो सचमुच चमत्कार वाली बात है, जरूर इस नारियल के पानी में कुछ है। वैद्य अपनी मीठी मीठी बातों से सचिन को बहकाने लगा। बेटा ये नारियल मुझे दे दो, अब तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। सचिन ने नारियल देने से इनकार किया। वैद्य को बहुत गुस्सा आया, उसने कुछ गुंडे बुलवाए और सचिन की माँ को कैद कर लिया और वहां से उसे ले गया। सचिन डर गया और रोने लगा। तभी उसे उस जादुई नारियल के पेड़ की याद आई, वो वहां आया। हे जादुई पेड़, मुझे मेरी माँ के पास पहुंचा दे। जादुई नारियल ने एक उड़ती हुई चटाई मंगाई
और उस पर बैठ के सचिन अपनी माँ के यहाँ पहुँच गया। सचिन ने बड़ी हिम्मत से अपनी माँ को वहाँ से छुड़ाया। दोनों उस उड़ती हुई चटाई पर बैठ के घर वापस आ गए। वैद्य गुस्से से तिलमिला गया, उसे अपनी हार हजम नहीं हुई। इस लड़के के पास जरूर कुछ ना कुछ जादू है, मुझे पता करना ही होगा। वैद्य ने सचिन पर नजर रखना शुरू किया। सचिन जहाँ जहाँ जाता वो उसका पीछा करता। एक दिन सचिन का पीछा करते हुए वो नारियल के पेड़ तक पहुँच गया और सारा रात जान गया। अगले ही दिन वैद्य सीढ़ी लेकर नारियल के पेड़ के यहाँ आया। अब मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बनूंगा, सारे नारियल तोड़ लेता हूँ। जैसे ही वैद्य ने नारियल के पेड़ को सीढ़ी लगाई वो जलकर राख हो गई। वैद्य डर गया, फिर हिम्मत जुटाकर उसने पेड़ से कहा, हे नारियल जी, मैं एक वैद्य हूँ, मैं गरीब लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। अगर आप मुझे आपके जादुई नारियल देंगे तो मैं गरीब लोगों की खूब सेवा करूंगा, कृपया मुझे अपने जादुई नारियल दीजिए। नारियल का पेड़ वैद्य की लालच समझ गया था, उसने दो नारियल जमीन पर गिराए। वैद्य खुश हो गया और वो नारियल लेकर घर आया और आसपास के गांव में भी खबर फैला दी कि वो कोई भी बीमारी ठीक कर सकता है। धीरे धीरे उसके घर पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। वैद्य लोगों को थोड़ा थोड़ा नारियल का पानी पिलाता और उनसे ढेर सारे पैसे लेता। गरीब लोग परेशान हो गए थे क्योंकि वैद्य सिर्फ अमीर लोगों का ही इलाज करता था। तभी एक दिन अच्छे नारियल का पानी खत्म हो गया। उसने सोचा कि दूसरे नारियल में भी वैसे ही अच्छा जादुई पानी होगा, लेकिन जैसे ही उसने उस नारियल से बीमार लोगों को पानी पिलाया लोग मरने लगे। सब लोग बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने वैद्य की मिलकर पिटाई की। सारे गांव वाले सचिन के घर दौड़ते हुए आए। सचिन ने अच्छे नारियल से प्रार्थना की कि सारे मरे हुए लोगों को जीवित करे, और धीरे धीरे मरे हुए सारे लोग जीवित हो उठे। सारे गांव वालों ने सचिन की जय जयकार की। अब गांव में फिर से खुशहाली छा गई। जादुई पेड़ का एक रहस्य था कि वो सिर्फ सच्चे मन वालों की ही सुनता था और उन्हें ही सहायता करता था। सचिन का मन एकदम मासूम और साफ पानी जैसा निर्मल था। सचिन ने सारे नारियल वापस पेड़ को दे दिए और खुशहाल होकर अपनी पढ़ाई में जुट गया। तो देखा दोस्तों, सच्चे मन से की गई सेवा ही भगवान को प्यारी होती है और इंसान को भी महान बनाती है।